ये वाला रिक्शा आपका, क्या है जी आपकी? 18 से ऊपर है। कितनी ऊपर है? 19 साल में लगा। 19 साल में लगे हो। आपका वो आईडी कार्ड बना हुआ? एक आईडी जमन पर्ची है, जमन पर्ची बनी है। और वो लाइसेंस बना है कि नहीं बना अभी तक? तो लाइसेंस के बगैर आप कैसे रिक्शा चला सकते हैं? जरूरी है, अब चलाना पड़ता है। लेकिन फिर भी बेटा इसके लिए लाइसेंस जरूरी है ना? आईडी कार्ड बनेगा तो लाइसेंस भी बनेगा। तो फिर ये आप अगर अल्लाह ना करे को हादसा हो गया तो आप पे बड़े संगीन दफात लगेंगे। फिर ये आपने रोड के बीच लगाया हुआ है, क्या मामला? ये पार्किंग है कोई? यहाँ पे क्यों लगाया हुआ आपने? सारे रिक्शे यहाँ पे लगते हैं। मतलब कि पार्किंग की जगह किसी को पैसे देते हैं? क्या देते हैं? कोई पैसे नहीं देते, बस ऐसे ही। मतलब कि बदमाशी? कोई बदमाशी नहीं है। आप रोड के बीच खड़े हो यार, मैं रोड के बीच गाड़ी लगाऊंगा, मुझे जारी बात है कोई आगे पूछेगा कि दिमाग ठीक है? आप लगा बैठे हुए? मैं लगा लूंगा, उधर सारी सवारियां, सवारी इधर से आती, रिक्शे यहाँ पे लग जाते हैं, उसे सारे लगा पे हमें भी लगाना पड़ता है इधर ही रिक्शा, हमें फिर इधर ही लगाना पड़ता है। अगर केला रक्षा खड़ा हो फिर मैं कह रहा हूँ सारे गलत खड़े हैं, सारे गलत खड़े हुए हैं, सारे गलत खड़े हुए हैं। फिर आपके पास लाइसेंस नहीं है, फिर आप मुझे लग भी अंडर एज रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी 18 साल की उम्र है। पैसी पर्ची बनी हुई है। भजन खैरियत है? आप वन वे खड़े पे सवारी बता रहे हैं? सवारी सवारी वन वे बढ़ा रहे हो? 18 साल? आप 18 साल के नहीं? 18 साल के नहीं? आपकी एज बता रही है? मुंडा 18 साल का लग रहा है तुम? तकरीबन है को 15-16 साल का, 15-16 साल का तो होना है। 15-16 साल लग रहा है ना? ये अंडर एज है। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਭਾ ਰਹੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਭਾ ਜੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਰੋਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗੇ। आप इस साइड को जाने के लिए सवारी ढूंढ रहे हैं? पूछ रहा हूँ कि आप इस साइड जाने के लिए सवारी ढूंढ रहे हैं? आप वन वे खड़े हुए हो, आपको पता है इसकी कितनी इसकी हसासियत का पता है? आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है। अभी कोई वार्डन आएगा वो आपको चलान कर देगा, फिर आप अंडरेज भी हो, फिर आपने 8-10 बच्चों को बिठा के जाना भी है, फिर आपने इस तरह से जिगजैग करना है कि किसी गाड़ी को भी ठोक देंगे आप, साइड मार देंगे, फिर आप मानेंगे भी नहीं। वैसे वन वे खड़े होने की वजह क्या थी? ये सवारी पा रहे हैं। वन वे कौन जाएगा, इस साइड कौन जाएगा? मतलब कि इस साइड की सवारी सेट में लेंगे, आगे इधर कौन जाएगा? मतलब पहले इधर सवारी बढ़ा के फिर यू टर्न लेंगे। देखिए इसको जरा, ये इधर आए इसका, अब ये देखिए अब कैसे मोरोगे मुझे। ये देखिए, ये है जी, ये है गुंडागर्दी। ये अब छोटा सा बच्चा सारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करता था, अब ये देखे वापस, ये देखे, ये देखे, ये देखे, एक वैसे अंडर एज है, दूसरा वन वे खड़ा हुआ है, सवारी ढूंढ रहा है। क्या हाल है, आप खैरियत से? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। रमजान, मोहम्मद रमजान, क्या उम्र है आपकी? 17 साल। जरा आप एक मिनट जरा सीधे खड़े हो जाते बेटा, आप तो भी अंडर एज हो, कैसे इतना बड़ा रिक्शा चला रहे हो, इसमें 8 सवारियां बिठा के आप फिर सारे रोड पे भी फिरोगे? सर घर की मजबूरियां, 18,000 रुपए किराया, 18,000 किराया बेटा। फिर भी मतलब कि अभी आपकी उम्र तो नहीं है ना, कोई हादसा हो गया फिर? सर चाचू के साथ चलाता हूँ, चाचू अभी उतार के आया हूँ घर। क्या चाचू को उतार के आया हूँ, उसके साथ चलाता हूँ। अभी तो चाचू नहीं है, अभी कोई सवारी आएगी, चलाओगे या नहीं चलाओगे? अभी लड़का लेने जा रहा हूँ, वो चलाएगा, मैं सवारी बिठाऊंगा। लड़के को तो खुद ही चला के लेके जाओगे ना? ये इधर से गोरमा से लड़का लेने, रखे भी लेने जाओगे। कितनी सवारियां बिठा लेते इस पे? 6 सवारियां, 7 बैठ गए। 7 में आप तो, कोई पीछे भी, कोई आगे, कोई 8-9 नहीं करते सवारियां? 8-9 सवारियां नहीं करते? लाइसेंस तो नहीं बना होगा, अभी तो आपकी उम्र ही नहीं है, बगैर लाइसेंस की चलाई जा रहे हो? सर किसी के पास लाइसेंस नहीं है रिक्शे वाले का। जनाब जी ना भाई, आपको चीज दिखाता हूँ, ये देखें, इनकी सारी बॉडी लोहे की है, इनकी ये साइड भी लोहे की है। ये जब कोई बर्क रफ्तारी से जाएंगे, कोई तेज स्पीड से जाएंगे, किसी गाड़ी को टक्कर भी हो जाएगी ना, इनका कुछ नहीं जाना, इनकी गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये लोहा है, ये लोहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जिस गाड़ी के साथ इसने लगना है उसकी डंड उतर जानी है। और ये अक्सर हमने देखा कि रिक्शे वाले जब तेजी से जा रहे होते हैं, इनकी आपस में स्पीडें लगी होती हैं और भगा रहे होंगे, जिगजैग कर रहे होंगे, और ये छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं। खुदा का वास्ता जो
हुकाम है वो इस बारे में देखें, इन बच्चों को रोजगार दें, इनके मसाइल सुने। अगर इनके पास रोजगार नहीं होगा इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन ये अपने साथ 8 लोगों की जिंदगी को खतरे में डालेंगे। जब इस रोड पे चलेंगे 7-8 लोगों को साथ बिठा के उनकी जिंदगी को भी खतरे में डालेंगे। मैंने बहुत से इस तरह के एक्सीडेंट कवर किए हैं जिसमें छोटा सा बच्चा रिक्शा चला रहा है, छोटा सा बच्चा गाड़ी चला रहा है, उसे हादसा हो जाता है। अब ये भी कोई आपका रिक्शा है, इधर आओ ना, थले आ जाओ, थले जरा लाइट काटे ना। हाँ जी, की छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं रिक्शा, जिन्हें तो रोजगार नहीं है, वो बाल दैन नहीं उन्होंने तो चला रहे हैं बेचारे, कर रहे हैं उन्होंने कोई तो किसी जगह पर फिट किया जाए या कि वो आदा सिस्टम उन्हों का चलता हो घर पर कौन बच्चे आते हैं। तुहाड़ा लाइसेंस बनया? हाँ जी। तुहाड़ा लाइसेंस बनया? हाँ जी। कोल है तुहाडे? नहीं, चलान हो। चलान होया? हाँ जी। क्यों चलान क्यों होया तुहानू? चलान दूसरा ट्रैफिक वाले जिथे दिल करे। हाँ जी, पूरा उसको रोका हुआ बंद किया। मेन रोड दूसरी साइड है रोड सर चढ़ा हुआ दूसरे दे2000 ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਣ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇ ਸੁਭਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਰੋਡ ਪੇ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਅਬ ਕਰਤਬ ਦੇਖੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋੜ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਲਤ ਖੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਚਿੰਗ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਜਿਤਨੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖ ਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਨਿਕਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਅਬ ਉਹ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਅਬ ਇਧਰ ਮੋੜਨੇ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਮੇਲੇ ਪੇ ਆਏ ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਪੇ ਆਏ ਮੈਂ ਪਿਆਲੇ ਮੇ ਆਏ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕੇ ਖੂਹ ਮੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਕਾਟਾ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰ ਤੇ ਕਾਟਾ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਤੇ ਕਾਟ ਲਗਾ ਜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਬੜੇ ਚੌਕ ਚੁਰਾਹੇ ਪੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਆ ਹੋਗਾ फिर इनकी वजह से बहुत से लोगों के जो हादसात भी हो रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे चला रहे हैं 8 बच्चों को बैठा के चला रहे हैं 8 लोगों को बैठा के छोटा सा बच्चा जब स्टेयरिंग पे बैठेगा तो वो अपनी जिंदगी के साथ जो खेल रहा है वो तो खेल रहा है अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा है वो 8 लोगों को भी खतरे में डाल रहा है वो देखे कहाँ पे जाके खड़े होते हैं वो देखे बीच चौक पे वो आपको सर्कस करके दिखा रहा है बीच चौक पे वो आपको सर्कस करके दिखाएगा रोड पे आपको घुमा के दिखाएगा बात ने भाई जान को मौत के खूह में चलाते हैं कहाँ चलाते हैं आप रोड पे चलाने वाले काम तो नहीं कर रहे ये आपने जो भी ये पूरा यहाँ पे गोल गतारा किया है भाई बुला रहा था भाई बुलाए तो ट्रैफिक कमानी जाए बाढ़ में रिक्शा चला वगैरह।